नमस्कार दर्शक मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है वडोदरा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से ज्योतिषीय विषय में। इस वर्ष अधिक मास का प्रारंभ हो रहा है। हर 3 वर्ष में अधिक मास आता है। इस वर्ष 2020 में अधिक आश्विन महीना आ रहा है। 18 सितंबर 2020 से अधिक आश्विन महीने का प्रारंभ हो रहा है। 16 अक्टूबर 2020 शुक्रवार तक अधिक आश्विन महीना रहेगा। अधिक आश्विन महीने में अधिक मास को हम एक पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस मास को मल मास भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार और वैदिक पद्धति अनुसार, शास्त्रों अनुसार कहा गया है कि अधिक महीने में, पुरुषोत्तम महीने में पूजा, हवन, जप, व्रत और अनुष्ठान और विष्णु पूजा, भगवान नारायण की पूजा का अधिक महत्व है। इस अधिक महीने में कोई भी व्रत और अनुष्ठान जप करने से उसका 10 गुना फल अधिक मिलता है। अधिकस्य अधिकम फलम। तो हम किसी भी कार्य सिद्धि के लिए जप, अनुष्ठान और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मास में जप, व्रत और अनुष्ठान करने का पुण्यदायी फल बताया गया है। वैदिक पद्धति अनुसार वर्ष दरमियान चंद्र मास और सौर मास 2 मास ग्राह्य होते हैं, जिसमें से तिथि अनुसार चंद्र मास और संक्रांति हर महीने की 14 से लेकर 16-17 तारीख तक सूर्य संक्रांति होती है। चंद्र तिथि अनुसार होने से उसको चांद्र मास कहा जाता है और हर महीने की सूर्य संक्रांति होने से उसको सूर्य का मास कहा जाता है। चंद्र की गति सूर्य से कम होने से वर्ष दरमियान चंद्र 1 वर्ष में 354 दिन तिथि अनुसार चलता है और सूर्य वर्ष में 365 दिन सूर्य की गति होती है। सूर्य की गति से चंद्रमा की गति 1 वर्ष में 10 दिन कम हो जाती है। जो 1 वर्ष में 10 दिन और 3 वर्ष तक 30 दिन, तो 1 मास हमको 3 वर्ष में प्राप्त होता है। जो गति कम होने से और सूर्य की गति और चंद्रमा की गति दोनों समान करने से वैदिक पद्धति अनुसार 3 वर्ष में हमको एक अधिक मास मिलता है, जिसे वैदिक पद्धति अनुसार सूर्य और चंद्रमा की गति दोनों को समान करने के लिए अधिक मास किया जाता है। पुराणों और वैदिक अनुसार इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया है। विष्णु भगवान इस मास के अधिष्ठाता देव हैं। इस मास में देव यज्ञ तथा पितृ कार्य और समस्त शुभ कार्य सिर्फ वास्तु, यज्ञोपवीत और विवाह आदि कार्य वर्जित है। उसके सिवाय दूसरे कार्य हम इस कर सकते हैं। अधिक महीने में व्रत और जप और अनुष्ठान और जन्म कुंडलीगत दोषों का निवारण किया जा सकता है। इस महीने में कोई भी पूजा करने से शुभ फल हमको प्राप्त होता है और हमें सकारात्मक फल हमको प्राप्त होता है। सभी कार्यों में अधिक मास में जप और अनुष्ठान, विष्णु पुराण और विष्णु सहस्त्र, भगवत गीता और भगवत भक्ति करने से हमको पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। इस मास में कार्य सिद्धि के लिए कोई भी अनुष्ठान ओम क्लीम कृष्णाय नमः अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप अनुष्ठान करने से भगवान विष्णु नारायण की कृपा हमको प्राप्त होती है। यह अधिक मास अनंत पुण्यदायी बताया गया है। पुराणों के अनुसार इस अधिक मास में
पुरुषोत्तम मास नारायण भगवान की उपासना और साधना का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास की संज्ञा दी गई है और इस मास में हमको व्रत जप अनुष्ठान तथा साधना और उपासना करने से हमको शुभ फल प्राप्त होता है। तो 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक अधिक मास है, तो सभी दर्शक मित्रों इस मास का अवश्य लाभ उठाएं और अपने जीवन में को अनंत पुण्यदायी आध्यात्मिक बनाकर इस मास में उपासना साधना करके अपना जीवन प्रगतिशील बनाएं। तो सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण।